दोस्तों इंडिया में रियलमी का नार्जो 20 सीरीज लॉन्च हो गया है। इससे पहले हम नार्जो 20 और 20 प्रो इन दोनों फोन का वीडियो हम बना चुके हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी नार्जो 20 ए के बारे में, जो कि इस फोन का प्राइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का जो प्राइस है रियलमी ने बहुत ही दमदार रखा है। इस फोन में आपको काफ़ी कमाल के फीचर भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस फोन का प्राइस क्या देखने को मिलेगा और क्या कुछ खास इस फोन में आपको फीचर देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में हम अभी बात करेंगे कि रियलमी C12 और नार्जो 20 ए दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इस फोन का जो डिजाइन है आप देख सकते हैं, देखने में फोन आपको ठीक ठाक लगेगा। हालांकि इसमें आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलेगी, इसमें आपको ग्लास नहीं दिए गए, फिर भी दोस्तों आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगा, जो कि ये फोन आपको देखने में ठीक ठाक लग रहा है। दोस्तों इसके पीछे साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अगर सामने की तरफ बात करते हैं तो इसमें आपको मिनी ड्रॉप का नॉच दिया गया है। डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको फुल HD का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर भी दोस्तों कह सकते हैं कि जिस प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस में दोस्तों इस फोन का जो डिजाइन है या डिस्प्ले की बात करें दोस्तों दोनों में फोन आपको ठीक ठाक रहेगा। अगर कैमरा के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा रहेगा आपको 12 मेगापिक्सल का। इसके साथ इसमें आपको 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा और दिए गए हैं, एक रहेगा डेप्थ सेंसर के लिए और दूसरा रहेगा माइक्रो लेंस के लिए। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कह सकते हैं कि इस फोन का जो कैमरा रहेगा वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से और गेमिंग के हिसाब से प्रोसेसर अच्छा रहेगा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जिस प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस में ये फोन आपको गेमिंग के लिए भी ठीक ठाक रहेगा। बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आपको बैटरी भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो कि इसमें आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों बैटरी बैकअप भी इस फोन में आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बात करें इस फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में तो इसमें आपको फेशन लॉक का सपोर्ट मिलेगा, साथ में इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलेगा, OTG मिलेगा, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा और दोस्तों इसमें आपको 2 SIM और 1 memory card भी लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये फोन आपको फीचर वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। इस फोन में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर दिए गए हैं, लेकिन अब मेन बात करेंगे इस फोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस फोन का जो स्टार्टिंग वेरियंट है जिसमें आपको 3 GB का रैम मिलता है, साथ में आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इस फोन का जो प्राइस है इंडिया में रखा गया वो रखा गया 8,499 रुपये। तो दोस्तों इस फोन का जो प्राइस है सच में बहुत ही कमाल का रखा है रियलमी ने, आप चाहें तो आप आराम से इस फोन को खरीद सकते हैं, बहुत ही ये फोन अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों और बात करते हैं यहाँ पे C12 के बारे में कि इस फोन में से और रियलमी नार्जो 20 ए में से कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से नार्जो 20 ए काफ़ी आपके लिए बेटर रहेगा, आप आराम से इस फोन को खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों C12 में आपको 5 MP का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जबकि नार्जो 20 ए में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों जो नार्जो 20 ए है इसका जो प्रोसेसर है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से नार्जो 20 ए काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे दोस्तों आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा, आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बाय करना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।